एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने यातायात माह के तहत लोगों में ट्रैफिक के प्रति जागरूकता के लिए स्कूली बच्चों के साथ इंदिरा बाल बिहार से महानगर में रैली निकाली, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि नवंबर महीने में पूरे प्रदेश में यातायात माह मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए लोगों में ट्रैफिक के प्रति जागरूकता के लिए एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों व ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त रूप से रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों ने आम नागरिकों से यातायात नियम का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा, सड़क पर सुरक्षित यातायात में सभी नागरिकों की भागीदारी है, इसलिए सड़क पर चलते समय सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, जिससे लोगों को सुरक्षित व सुगम यातायात मिल सके। लोगों में ट्रैफिक के प्रति जागरूकता के लिए ITMS व चौराहे पर लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से समय समय पर यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि शहर में कहीं पर भी जाम ना लगे और लोग बिना जाम के अपने गंतव्य को जा सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा, जैसा कि आप अवगत हैं कि नवंबर माह में पूरे प्रदेश में यातायात माह मनाया जा रहा है, तो इसी क्रम में जनपद गोरखपुर में आम जनमानस को जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल डेली पब्लिक स्कूल कुसमुही और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से यातायात जागरूकता रैली, गोरखपुर का दिल कहे जाने वाले जो हमारा मेन बाज़ार गोलघर है, गोलघर पर रैली निकाली गई। इसमें बच्चों ने बड़े जोश के साथ प्रतिभाग किया और इस रैली के माध्यम से हम आम जन समुदाय के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि सड़क पर सुरक्षित यातायात में सभी की भागीदारी है, क्योंकि हर व्यक्ति सड़क पर चलता है, तो सभी लोग सड़क के नियमों को माने
और उनका पालन करें। जानते तो सभी हैं पर पालन नहीं करते हैं, इसीलिए बच्चों को माध्यम बनाकर, बच्चों के माध्यम से हम आम जनमानस को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि गोरखपुर की शहरों पर जाम मुक्त और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा दे सकें। सर, बाएं लेन की बात की जाती है, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि जाम ना लगे और सफ़र हमारा सुरक्षित हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस के साथ साथ आम नागरिक भी जिम्मेदार है, क्योंकि आम नागरिक भी इसके पार्टनर हैं। तो हम लोग ITMS के माध्यम से, PA सिस्टम के माध्यम से, पैम्पलेट, पोस्टर और समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार जनमानस को जागरूक कर रहे हैं और सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया करके जिन लोगों को बाएं जाना है सिर्फ वही लोग बाएं लेन से गुजरें और शेष लोग चौराहे पर लेफ्ट लेन को चोक ना करें। ऐसा सभी से अनुरोध किया जा रहा है। इसके अलावा लेफ्ट लेन चोक ना हो, इसके लिए हमारे लिए सिलेक्टेड कुछ चौराहों पर जो है स्प्रिंग पोस्ट लगाने की योजना है, जिसको शीघ्र ही अमल में लाया जाएगा।